हाय, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न डेटा गैदरिंग कॉन्सेप्ट। तो जो ऑब्जेक्टिव क्या है डेटा गैदरिंग कॉन्सेप्ट का, कि ट्रांसमिट द सेंस डेटा फ्रॉम ईच सेंसर नोड टू बेस स्टेशन। मान लीजिए कोई सेंसर नोड जो है बेस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन सेंड करना चाहते हैं, ये सारे सेंसर नोड्स हैं और ये बेस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन सेंड करेंगे, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटा गैदरिंग। ये आपका बेस स्टेशन है, तो सारे नोड्स इस बेस स्टेशन को अगर इंफॉर्मेशन सेंड कर दें, इट्स मीन डेटा आपका गैदर्ड हो गया है। बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं इस डेटा गैदरिंग में, जैसे एनर्जी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो पावर यूज़ हो रही है हर एक नोड के लिए। अगर नोड्स बहुत दूर हैं बेस स्टेशन से, ऑब्वियसली आपकी पावर ज़्यादा यूज़ होती है। तो जो ट्रांसमिशन ऑफ डेटा है फ्रॉम ईच सेंसर नोड टू बेस स्टेशन, इसमें एक टर्म यूज होता है वन राउंड ट्रांसमिशन। तो वन राउंड ट्रांसमिशन मीन एक ही राउंड में सारा सेंस डेटा बेस स्टेशन को ट्रांसमिट कर दिया जाए। और इस ट्रांसमिशन में हमारा क्या होगा कि एनर्जी जो है मिनिमम यूज हो, क्योंकि हो सकता है कि दोबारा डेटा सेंस्ड हो और फिर अगेन आपको एक और राउंड की जरूरत हो कि आप सारे सेंसर नोड जो हैं वो इन्फॉर्मेशन बेस स्टेशन को सेंड करें। ऐसे बहुत सारे राउंड्स में आपकी इन्फॉर्मेशन बेस स्टेशन को सेंड की जाएगी। बट जो एल्गोरिथम डेटा गैदरिंग में यूज़ होना चाहिए, उसमें ये होना चाहिए कि मिनिमम एनर्जी यूज़ हो। तो इसीलिए जो कंपैरिजन ऑफ एल्गोरिथम है, जो एल्गोरिथम होंगे डेटा गैदरिंग के लिए, उनको हम एनर्जी क्रॉस डिले के बेस पे कंपेयर कर सकते हैं कि मिनिमम एनर्जी यूज़ होना चाहिए और डिले भी कम होना चाहिए। तो इस बेस पे हम क्या कर सकते हैं, एल्गोरिथम में कंपैरिजन। और कौन सी एल्गोरिथम में, जो डेटा गैदरिंग में यूज़ होती हैं। और डेटा गैदरिंग क्या है कि ट्रांसमिट द सेंस डेटा फ्रॉम ईच सेंसर नोड टू बेस स्टेशन, दैट इज डेटा गैदरिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटा गैदरिंग। तो एल्गोरिथम में देखते हैं, फर्स्ट एल्गोरिथम आपका है डायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होगा कि ऑल सेंसर नोड ट्रांसमिट दियर डेटा डायरेक्टली टू बेस स्टेशन। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये सारे सेंसर नोड्स डायरेक्टली बेस स्टेशन को डेटा अगर ट्रांसमिट करेंगे, तो इसको इतनी एनर्जी चाहिए ताकि वो जो है यहाँ तक कवरेज जो है इसकी बेस स्टेशन तक हो, और जितना आपका नोड फार होगा उतना उसे ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होगी बेस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन जो मेथड अगर हम कहें, तो एज पर एनर्जी ये इतना अच्छा नहीं है, इसमें ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम्ड होती है। और ऑब्वियसली इसका जो एनर्जी क्रॉस डिले बेस पे अगर हम कंपैरिजन करें, तो ये काफ़ी पुअर है जो हम बाकी एल्गोरिथम पढ़ेंगे उनके कंपैरिजन में, क्योंकि जितना फार होगा उतना ही ज़्यादा डिले भी हो सकता है और हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन बेस स्टेशन को पहुँचे भी ना। तो फर्स्ट मेथड यूज हुआ डायरेक्ट ट्रांसमिशन, जिसमें सारे जो सेंसर नोड हैं डायरेक्टली बेस स्टेशन को ही इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं। सेकेंड मेथड है पावर एफिशिएंट गैदरिंग फॉर सेंसर इन्फॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज PEGASIS, दिस इज एस पेगासस। तो पेगासस मेथड में क्या होना है कि इट इज अ डेटा गैदरिंग प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट ऑल सेंसर नोड्स नो द लोकेशन ऑफ एवरी अदर नोड। तो जैसे इस ये नोड है, इसको इसकी इन्फॉर्मेशन पता है, इसको इसकी इन्फॉर्मेशन पता है। अगर सारे नोड्स को एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन पता है, तो उससे क्या होगा, एक पाथ वो क्रिएट कर सकते हैं। मतलब हमें टोपोलॉजी पता है कि कैसे ये सारे सेंसर नोड अरेंज्ड हैं। तो अगर इस मेथड में ये टोपोलॉजी, हर एक नोड को इन्फॉर्मेशन है कि कैसे एक दूसरे से अरेंज हैं, तो इन्हें ये भी पता है कि बेस स्टेशन कहाँ है। तो ये क्या करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो है कैसे सेंड करते हैं, मान लीजिए ये नोड को इन्फॉर्मेशन बेस स्टेशन को सेंड करनी है, बट इसके जो रेंज में बेस स्टेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये क्या करेगा, ये इन्फॉर्मेशन इसको सेंड करेगा, और फिर इसके रेंज में अगर बेस स्टेशन नहीं है तो ये इसको सेंड कर देगा, फिर ये इसको सेंड कर देगा। तो हो सकता है कि ये जो नोड हो इसके रेंज में बेस स्टेशन हो, तो ये जो है इन्फॉर्मेशन इसको सेंड कर देगा। ऐसे ही ये एक दूसरे पाथ में ये इसको सेंड करेगा, फिर ऐसे करके ये इसको बेस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा। तो ये जो नोड, जो इन सारे नोड, इन चार नोड की इन्फॉर्मेशन बेस स्टेशन को सेंड कर रहा है, तो ये नोड क्या हो जाएगा, लीडर।
तो लीडर जो है बेस स्टेशन से वन हॉप डिस्टेंस पे होता है। तो पेगासस एल्गोरिथम जो डेटा गैदरिंग के लिए यूज होती है, उसमें क्या होता है कि सारे नोड्स को बाकी नोड्स की इंफॉर्मेशन पता होती है, टोपोलॉजी पता होती है कि कैसे वो अरेंज्ड हैं, और उसी बेस पे वो अपनी डेटा जो सेंस डेटा है वो बेस स्टेशन को ट्रांसमिट करते हैं। तो गोल क्या है पेगासस का? मिनिमाइज द डिस्टेंस ओवर विच ईच नोड ट्रांसमिट एंड सेकेंड मिनिमाइजिंग ब्रॉडकास्ट ओवरहेड। तो अगर हमारा एक पाथ क्रिएट हो जाएगा तो ऑब्वियसली हम ब्रॉडकास्ट ओवरहेड जो है कम कर सकते हैं पेगासस में। थर्ड है मिनिमाइज द नंबर ऑफ मैसेजेस दैट नीड टू बी सेंड टू बेस स्टेशन। अगर हर एक इंफॉर्मेशन अगर हम देखें, ये अगर ब्रॉडकास्ट करता, ये ब्रॉडकास्ट करता, तो एक तो कई जगह कोलिजन कुछ जगह होते, कई जगह रिपीट होता, बट यहाँ पे क्या है पाथ के थ्रू इन्फॉर्मेशन बेस स्टेशन को सेंड हो रही है, तो हम जो है मिनिमाइज द नंबर ऑफ मैसेजेस दैट नीड टू बी सेंड टू बेस स्टेशन। डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी कंजम्पशन इक्वली। अब अगर हर एक नोड को अदर नोड की इन्फॉर्मेशन पता है तो डेटा ट्रांसमिशन में जो एनर्जी कंजम्पशन है हम इस तरीके से मैकेनिज्म रखते हैं ताकि जो है वो इक्वली कंज्यूम्ड हो। और इसका बेनिफिट क्या होगा अगर इक्वली कंज्यूम्ड होगा? उसका बेनिफिट ये होगा कि ऐसा नहीं होगा कि कोई नोड जो है वो डाई कर जाए, पहले ख़त्म हो जाए और उसका यूज़ ही ना हो। ठीक है, जैसे ये नोड के अगर पावर ख़त्म हो जाए, यहाँ से रिमूव हो जाए, तब तो ये इन्फॉर्मेशन ही सेंड नहीं कर पाएगा बेस स्टेशन को, क्योंकि इसके रेंज में अगर बेस स्टेशन नहीं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि सारे जो सेंस डेटा हैं वो बेस स्टेशन को पहुँचने चाहिए। और डिले जो इन्वॉल्व होता है इस एल्गोरिथम में वो कितना होता है? बिग ओ ऑफ एन। एन जो है आपका नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं किसमें? नेटवर्क में, टोटल नंबर ऑफ नोड्स। ये टू एल्गोरिथम्स हमने देख लिए। एक और एल्गोरिथम है बाइनरी स्कीम। बाइनरी स्कीम एल्गोरिथम है जो आप डेटा गैदरिंग में यूज कर सकते हैं। दिस इज, देखो ये हम कह सकते हैं ये चेन बेस्ड स्कीम थी, सो दिस इज ऑल्सो बाइनरी स्कीम भी जो है क्या है? चेन बेस्ड स्कीम है। एक चेन बनाते हैं उसके थ्रू इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। ठीक है, दिस इज चेन बेस्ड स्कीम, और पेगासस भी आपका चेन बेस्ड स्कीम ही है। तो ये वर्क कैसे करता है बाइनरी स्कीम? इन केस मान लीजिए कि सेवन नोड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नोड्स हैं, तो सेवन नोड्स जो है वो बेस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन सेंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो बाइनरी स्कीम में क्या होता है कि स्टेप वन, वन हॉप पे आप इन्फॉर्मेशन सेंड करो। तो मान लीजिए एस जीरो इन्फॉर्मेशन सेंड करता है किसको? एस वन को। एस टू इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है एस थ्री को, और एस फोर इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है एस फाइव नोड को, और एस सिक्स सेंड कर रहा है एस सेवन को। और हमने कह लिया कि एस सेवन जो है वो बेस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकता है, मान लो ये एस सेवन है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्योंकि एस जीरो ने एस वन को अपनी सारी डेटा भेज दी है और ये एक्सपेक्ट करता है कि एस वन जो है बेस स्टेशन तक हमारी इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा। एस टू ने एस थ्री को भेज दी है, एस फोर ने एस फाइव को, और एस सिक्स ने एस सेवन को, और एस सेवन जो है बेस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा। अब क्या होगा कि S1 जो है वो S3 को इन्फॉर्मेशन अपनी सेंड कर देगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप टू में S1 जो है वो इन्फॉर्मेशन किसको सेंड करेगा? S3 को। और इसमें क्या होगा, S5 के पास इन्फॉर्मेशन है तो S5 डायरेक्टली सेंड कर देगा S7 को। फिर स्टेप थ्री, स्टेप थ्री में क्या होगा, अब S3 और S7 के पास इन्फॉर्मेशन है तो S3 जो है वो डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन किसको सेंड कर देगा? S7। अब सारी इन्फॉर्मेशन S7 के पास जो है गैदर्ड हो गई। अब लास्ट स्टेप फोर्थ में क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, S7 डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन सेंड कर देगा बेस स्टेशन को, दिस इज बेस स्टेशन। तो बाइनरी स्कीम में हमने क्या लर्न किया, दिस इज चेन बेस्ड स्कीम है, और हमने S0 टू S7 हमने नोड एज्यूम किए, सेंसर नोड, जो इन्फॉर्मेशन सेंड करेंगे किसको? बेस स्टेशन को। और कैसे वो वन लेवल राइज कर रहे हैं, मतलब अगर आप देखें इसमें क्या है, दिस इज वन लेवल राइज, इसको ये भी कह सकते हैं केवल एक लेवल ही राइज कर रहा है।
जीरो से वन, ठीक है, वन लेवल लाइज, इस तरीके से जो है आपका बाइनरी स्कीम वर्क करता है। तो इसका मतलब डेटा एल्गोरिदम, डेटा गैदरिंग के लिए कौन सी एल्गोरिदम हमने यूज़ कर ली, डेटा ट्रांसमिशन, पेगासस और बाइनरी स्कीम। ठीक है, थैंक यू।